अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि इस बाढ़ ने कई सारे घर, कई सारे महत्वपूर्ण पुल को ऐसे बहा दिया जैसे मानो कागज की कश्ती हो। खबर यह भी आ रही है कि उसी दौरान खाई में एक बस पलट जाने की वजह से बस में बैठे तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। और इन सभी खबर के आने के बाद से ही तुरंत हमारे सबसे बड़े मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने स्थिति का जायज़ा भी लिया। खबर यहां भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अपने शेड्यूल से फ्री होते हैं, सबसे पहले वो हिमाचल और उत्तराखंड की के विजिट पर जाएंगे और वहां पर जितने लोग हताहत हुए हैं उन सभी को सांत्वना देंगे। बताया जा रहा है कि हिमाचल में आया यह बाढ़ सदी का सबसे बड़ा बाढ़ बताया जा रहा है, क्योंकि पार्वती नदी हो चाहे ब्यास नदी हो अपने ऐसे उफान पर है जैसे इतिहास में कभी नहीं था। इसके कारण बड़े बड़े मंदिर भी डूब चुके हैं, तो वहीं बताया जा रहा है कि कई सारे सैलानी तो गायब हो चुके हैं। लगभग 400 से ज़्यादा कार इस तूफान में बह चुका है, मतलब कि 400 कार एक साथ बह जाना, वो भी एक छोटे से राज्य से, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इस भयंकर तबाही के आने के बाद से पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं बता दें, उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर बादल और आंधी का ऐसा स्वरूप देखा गया है जैसे मानो भवंडर हो। इन सभी खबरों के आने के बाद से पूरे भारत को सावधान रहने की हिदायत दी गई है।